भारत सरकार की ओर से अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद देश भर में उग्र विरोध की आग जल उठी। बिहार के छपरा की तरह यूपी के बलिया में भी प्रदर्शनकारी युवाओं ने ट्रेन की बोगी जला दी। हालांकि पुलिस और रेलवे कर्मचारियों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। इस घटना के बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को दौड़ाकर स्टेशन से बाहर निकालती दिखी। सुबह से रेलवे स्टेशन पे फोर्स तैनात है और यहाँ पे कुछ उपद्रवी लड़के आए थे, परंतु उनको जो है बहुत ज्यादा डैमेज करने से रोक लिया गया है। उनके द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास किया गया, परंतु उनके प्रयासों को विफल करके अभी हम लोगों ने थोड़ा एक जगह रेलवे स्टेशन पे थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है। इस उग्र प्रदर्शन के बीच पुलिस धरपकड़ करती भी दिखी, लेकिन हिरासत में कोई नहीं लिया गया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, वीडियोग्राफी के बेसिस पर आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। वहीं यूपी के वाराणसी में भी प्रदर्शनकारियों ने बसों में तोड़फोड़ और दुकानों पर जमकर पत्थरबाजी की। गश्त लगाती और हालात पर काबू करने की मशक्कत के बीच पुलिस ने युवाओं को जागरूक भी किया। करीब 97% जो रिक्रूटमेंट होना है आर्मी का, जैसा कि मुझे ब्रीफ दिया गया है, वो रेगुलर तरीके से ही होगा। मात्र 3% रिक्रूटमेंट एक लिमिटेड टाइम के लिए एक नई स्कीम के तहत होना है। मध्य प्रदेश के इंदौर में छात्र अचानक रेल की पटरी पर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन करने लगे। इस बीच वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें समझाया, लेकिन जब स्थिति नहीं संभली तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। छात्रों को बताया गया कि आप अनावश्यक रेलवे पटरी पर किसी भी तरीके से प्रदर्शन न करें, प्रदर्शन करेंगे तो ये अपराध है, एक रेलवे एक्ट के तहत वायलेशन कर रहे हैं। फिर भी उनके द्वारा नहीं माना गया, और समझाइश देने के बावजूद भी तो फिर उनको जो है उनको हटा दिया गया, जिस पर वो पत्थरबाजी करने लगे, पुलिस ने भी उनको खदेड़ दिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकार से नाराज युवकों का गुस्सा सड़कों पर साफ नजर आया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी युवकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि हालात बेकाबू होने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हमीरपुर में भी युवा हाथों में पोस्टर और डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। इस दौरान वो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। ऐसी ही तस्वीर ऊधम सिंह नगर से भी सामने आई, जहां युवाओं के जुलूस की वजह से यातायात प्रभावित रहा। जितना भी युवा भीड़ दिख रहा है, सबके सर सब बहुत ज्यादा पीड़ित है। ये सब आज के सरकार जो हमारा ये टीओडी लागू हुआ है सर, उसके स्वरूप हो रहा है। ये सारी चीजें सारी घटना उसके अधीन जो लागू किया ना टीओडी, उसके लिए हो रहा है सर। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ यातायात को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति और रेलवे को भी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, जगह जगह प्रदर्शनों की वजह से 34 से अधिक ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं, जबकि 8 आंशिक रूप से कैंसिल कर दी गईं। जानकारी के मुताबिक 72 ट्रेनें अपने नियत समय से देरी से चल रही हैं। अकेले मध्य पूर्व रेलवे जोन में ही 22 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। इस बीच उत्तराखंड के चंपावत में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क पर उतरकर विरोध जताया। ये जो योजना इनके द्वारा चलाई जा रही है, मुझे लगता है इसमें कुछ न कुछ षड्यंत्र है, दूसरी ओर इसमें भ्रष्टाचार की भी गुहार रही है। कुल मिलाकर सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध सिर्फ युवा ही नहीं कर रहे, विपक्षी दलों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। बिहार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने केंद्र सरकार से इस योजना पर पुनर्विचार की मांग की, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने युवाओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। हमें ये है कि वे बच्चे कहाँ जाएंगे भाई, 15 साल में आप उनको नौकरी दे रहे थे, उनको पेंशन दे रहे थे, 15 साल में चलो एक आदमी काम कर रहा था, 15-21 साल में अपना बाद में फिर कोई काम कर लेता, लेकिन 4 साल में क्या करेगा। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार से युवाओं को असमंजस से निकालने और भ्रम की स्थिति दूर करने की अपील की थी। वहीं सरकार ने अग्निपथ स्कीम से सेना पर नकारात्मक असर पड़ने का संदेह निराधार बताया। इसके बावजूद तेलंगाना में अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। राजस्थान पश्चिम यूपी में भी प्रदर्शनकारियों का विरोध उग्र होता जा रहा है। इस बीच हालात को देखते हुए हरियाणा के कई इलाकों में इंटरनेट बंद है, यहां तक कि फरीदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है।